हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो जो है बिल्कुल भी प्लान्ड वीडियो नहीं था। प्लान था बट आज ही करूँगी, अभी करूँगी, ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली मैंने कुछ स्किन केयर एंड हेयर के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं ऑनलाइन। सो वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये कुछ सामान मैंने मंगाया है, तो इसमें से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो मैंने अभी तक यूज़ किया हुआ है। तो कुछ सामान जो है मुझे आज ही रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट तो मुझे अब यूज़ करना ही है। एंड मैंने कभी अनबॉक्सिंग भी किया नहीं है अपने चैनल में कभी, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अनबॉक्सिंग भी करूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स का हॉल भी शेयर करूँ। मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं अमेज़ोन से और कुछ ब्रांड्स के ही वेबसाइट से कुछ चीज़ें मंगाई हैं। इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरी सारी नाइट क्रीम्स, डे क्रीम्स, सनस्क्रीन सब खत्म हो चुका था। तो आज से या मे बी कल से जो भी मेरा स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर रिजीम रहेगा, वो इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर ही होगा। सो यस, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम एंड शेयर विथ यू गाइज। सो यस, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो अभी ना मुझे ये व्लॉग स्टाइल वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आ रहे हैं रादर देन वो सिट डाउन वीडियोज़। डू लेट मी नो आप लोगों को सिट डाउन वीडियोज़ ज़्यादा पसंद है या व्लॉग स्टाइल वीडियोज़ ज़्यादा पसंद है। सो यस, अभी ना 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और मैंने जस्ट लंच किया है और मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड सिंस आई एम शूटिंग तो मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, देयर इज़ नो एसी हियर। यू गाइस कैन नॉट इमेजिन कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। सो इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बाय किया है। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, क्योंकि ओपन कर लेते हैं इसे। सो माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये है द नेचुरल वॉश का फेस वॉश, मॉडर्न आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मेड विद रिचनेस ऑफ आमंड ऑयल एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट फॉर ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये एक इंडियन ब्रांड है द नेचुरल वॉश, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। एंड ये एक हर्बल आयुर्वेदिक फेस वॉश है, तो ट्राई करना तो बनता था। और इसमें मेनली है आमंड ऑयल एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो कि काफ़ी अच्छा होता है स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन। इट प्रोवाइड स्मूथ एंड डर्ट फ्री स्किन बाय क्लेंजिंग इट एफिशियंटली, इट मिनिमाइजेज द पोर्स एंड रिफ्रेशेज योर फेस बाय प्रोवाइडिंग द परफेक्ट ग्लो। सो दिस फेस वॉश इज सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, GMP सर्टिफाइड है एंड 100% नेचुरल है, ऐसा ही क्लेम करते हैं। और बाकी क्लेम्स में लिखा है डीप क्लेंसेज द पोर्स, मिनिमाइजेज ओपन पोर्स, बूस्ट मॉइस्चर इन ड्राई स्किन एंड लीव्स फेस सॉफ्ट नरिश्ड आफ्टर द वॉश, रिजुविनेट्स द स्किन सेल्स एंड गिव्स इंस्टेंट फ्रेशनेस, हेल्प्स टू रिड्यूस टैनिंग वाइल एडिंग अ रेडियंट ग्लो, डिटॉक्सिफाई स्किन एंड किक्स ऑफ डलनेस एंड ड्राइनेस। सो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्रांड द नेचुरल वॉश। अंदर से मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। सो यस, अंदर से ये कुछ इस तरीके का ट्यूब है, इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी। बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्मेल आ रही है इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है जो कॉफ़ी बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते उनकी जैसे स्मेल आ रही है। बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कॉफ़ी और हनी नहीं होता, एकदम ऐसा लग रहा है। सो यस, इट्स अ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट, इट्स क्रुएल्टी फ्री एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम कलरेंट्स। सो यस, इसको ट्राई करने के बाद पता चलेगा हाउ इज द प्रोडक्ट। क्वान्टिटी है इसकी 100 ml और MRP है इसका 295 rupees, बट ये मुझे अमेजोन से मिला है ₹249। सो 249 में आई थिंक ठीक ठाक ही प्रोडक्ट है। सो यस, दिस वॉज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट में है मेरा रिक्विल का सनस्क्रीन, ये रिक्विल का है अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल, वाटर स्वेट रेसिस्टेंट, परफेक्ट अंडर मेकअप विद IR प्रोटेक्शन। इट्स अ नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट एंड इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और ये है SPF 50 विद PA++++, मतलब 4x+ है। तो आपको ये UVA एंड UVB दोनों से प्रोटेक्शन देगा एंड इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सो मैंने ये अगेन सनस्क्रीन इसलिए लिया बिकॉज एक तो मेरे पास सनस्क्रीन नहीं था, दूसरा मुझे एक डिफरेंट सनस्क्रीन ट्राई करना था, तीसरा इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, एंड चौथा मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो कि नॉन कॉमोडोजेनिक हो, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो आपके पोर्स को हैं जो है क्लॉग ना करते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैंने ये बाय किया है, दैट इज़ इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन, इट्स नॉट अ केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन होते हैं जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देन दे गिव द सन प्रोटेक्शन, बट फिजिकल सनस्क्रीन वो होते हैं जो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते, स्किन में एक लेयर बना लेते हैं। तो आई होप ये वो वाइट कास्ट ना दे
हालांकि इसके रिव्यूज़ में ऐसा मेंशन था कि ये वाइट कास्ट नहीं देता है, बट एनीवेज मेरी स्किन जो है समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो मेरे को वाइट कास्ट का टेंशन नहीं है। जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड है इसमें, वो सनस्क्रीन जिनमें दोनों चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं। सो इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स एंड इसका MRP है 695 रुपीज़, बट अमेजोन से ये मुझे मिला है फॉर 695 रुपीज़ ओनली। तो इसका भी मैं अंदर से आप लोगों को पैकेजिंग दिखा देती हूँ। दिस इज द ट्यूब एंड इसका टेक्सचर भी देख लेते हैं। इस तरीके का इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी इसने व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ा है, बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही क्विकली ब्लेंड हो गया है स्किन में। एंड यस, इट इज डेफिनेटली गिविंग अ मैट फिनिश, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है एंड आई थिंक परफेक्ट फॉर समर्स। आई हैव ग्रेट होप विद दिस प्रोडक्ट एंड आई होप ये मुझे कुछ रिएक्शंस ना दे, बिकॉज माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव दीज डेज, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट यस। सो माई थर्ड प्रोडक्ट इज दिस, डब्बे में देखते हैं क्या है। मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ये है विया या वाया, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, विया नेचुरल्स का नायासिनमाइड सीरम। अगेन ये एक इंडियन ब्रांड है और इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे थे। जिन यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती हूँ और जो जेन्युइन रिव्यूज देते हैं, उन लोगों के वीडियोस में मैंने देखा था, दे वर रीडिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, सो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। इट्स अ नायासिनमाइड सीरम, तो नायासिनमाइड तो सबको पता ही है, इसके मुझे बताने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3, जो कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, ये सबको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्किन को इवन टोन करता है एंड सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, सिंपल सी है। सो इट्स अ नायासिनमाइड सीरम स्ट्रेंथन स्किन बैरियर विथ हायलुरोनिक एसिड, एलोवेरा एंड रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर की पैकेजिंग इस तरीके की है, इट्स अ ग्लास बॉटल, इसमें नायासिनमाइड के साथ साथ हायलुरोनिक एसिड, एलोवेरा और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एंड ये अगेन ऑन पैकेजिंग है, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा, काफ़ी रनी है, उतना थिक नहीं है, लेकिन यहाँ तक बह के चला गया। दिस प्रोडक्ट इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री, कलर एंड सिलिकॉन्स एंड ये सब चीज़ें इसमें नहीं है, इंडियन ब्रांड है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है कम्पेयर टू अदर नायासिनमाइड सीरम्स ऑनलाइन। सो इसका MRP वैसे तो इसमें मेंशन है 695 रुपीज़, बट अमेजोन से ये मुझे मिला है ओनली फॉर ₹450। तो यस, ट्राई करना तो बनता था एंड इसका क्वांटिटी है 30 ml एंड ये एक फ्रेग्रेंस फ्री सीरम है, दैट्स द प्लस पॉइंट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, अगेन ये पैकेट ओपन नहीं किया है मैंने। ओके, व्हाट इज दिस, ओ सो दिस इज मिनिमलिस्ट का विटामिन सी सीरम, विटामिन सी 10% प्लस AG 1%। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मिनिमलिस्ट जो है ऑर्डिनरी का ड्यूब है और मुझे काफ़ी टाइम से एक विटामिन सी सीरम चाहिए था जो मैंने लंबे टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई मिनिमलिस्ट एज दे क्लेम इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री सीरम, नो सिलिकन्स, नो पैराबेंस, नो एसेंशियल ऑयल्स, नो डाइज एंड नो सल्फेट। ऑल्सो इट्स अ ग्लो बूस्टिंग डेली सीरम विद द गुडनेस ऑफ विटामिन सी दैट ब्राइटन्स एंड टोन्स sun damaged and dull skin with dark spots, made with stabilized vitamin C derivative ethyl ascorbic acid that has 86% pure vitamin C content. And the good thing about this serum is ki unhone bhi pH mention kiya hua hai and the pH of this serum is 3.9 to 4.9, jaisa ki ordinary ke products mein bhi mention kiya hua hai, to they have literally copied each and everything. Iski packaging andar se dekh lete hain. सो इसकी अंदर से पैकेजिंग इस तरीके की है, इट्स मिनिमलिस्ट ट्रांसपेरेंट स्किन केयर फॉर ब्राइटर एंड इल्यूमिनेटिंग स्किन, विटामिन सी इसमें 10% है प्लस AG इज 1%, एंड इसको आप मॉर्निंग नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं, बट यूज सनस्क्रीन इफ यू आर यूजिंग अ डे टाइम। एंड इसकी क्वांटिटी है 30 ml और इसका MRP है 699 रुपीज, और ये मुझे Amazon से 699 रुपीज़ में ही मिला है। अगर ये सच में अच्छा वर्क करता है देन आई डोंट माइंड पेइंग 699 रुपीज़, बिकॉज वैसे भी सीरम्स जो होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली ही आते हैं। तो इसमें 1% AG है, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या है, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आई एग्जैक्टली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सो आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट रॉन्ग। सो इट्स एन इंग्रेडिएंट जो कि सीरम्स में ऐड किया जाता है टू बूस्ट योर हाइड्रेशन एंड नेचुरल एक्सफोलिएशन फॉर अ प्लम्प रेडियंट स्किन।
सो यस, विटामिन सी के साथ ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और 1% इज मोर देन इनफ एंड 10% विटामिन सी इज मोर देन इनफ टू गिव यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। इस कल से मैं ट्राई करूंगी, इनफैक्ट आज रात से ही मैं इसको ट्राई करूंगी एंड आई विल सी द रिजल्ट। सो यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो आया है मुझे इस बॉक्स में और वो है, उसके अंदर भी ऐसे दो छोटे बॉक्स मिले हैं मुझे और इस बॉक्स के अंदर है, ओके, दिस इज सुगंधा नायासिनमाइड सीरम विद पेंथेनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, सेंटेला एंड ग्रीन टी। सो गाइस, दिस इज एन एम्प्टी बॉटल, ये मैं पूरा यूज कर चुकी हूँ एंड दिस इज द गेम चेंजर इन माई स्किन केयर रिजीम। यस, ये बहुत ही अच्छा सीरम है, जब से मैंने ये यूज किया है मुझे और कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है एंड अलॉन्ग विद डैट मैंने एक और इसका प्रोडक्ट लिया है और वो है सुगंधा का प्योर रोजिप ऑयल। इट्स अ कोल्ड प्रेस्ड रोजिप ऑयल, तो इट्स अ फेशियल ऑयल। सो पहले मैं काफी मतलब डरती थी ऑयल यूज करने के लिए, मतलब ऑयल आप कैसे यूज कर सकते हो, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है फिर भी मैं ऑयल यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डरती थी एंड वो जो वो होती है ना फीलिंग की, मतलब ऑयल लगा के आपकी स्किन एकदम चिपचिप हो जाएगी, अजीब सी दिखेगी, वो चीज़ मुझे ज़्यादा ये कर रही थी कि ऑयल कैसे कोई यूज़ कर सकता है। बट मैंने जब रोजिप ऑयल के बेनिफिट्स देखे एंड काफ़ी लोगों को देखा टू रेव अबाउट रोजिप ऑयल, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विंटर ट्राई किया जाए एंड ट्रस्ट मी दिस ऑयल हैज़ चेंज द गेम। PCOS की वजह से काफ़ी एक्ने हो गए थे मेरी जॉ लाइन में और एक्ने तो चले जाते हैं बट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उनके मार्क्स को डील करना और वो नहीं जा पा रहे थे, तो जब से मैंने ये लगाया है ये ऑयल तब से मेरे मार्क्स जो हैं एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। पहले तो लेने के बाद मैंने इसको 10 दिन तक मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया था कि कैसे यूज़ करूँ, बट फिर मैंने धीरे धीरे इसको अपने पहले मॉइस्चराइजर में 2-3 ड्रॉप्स मैं मिक्स करती थी और वो मैंने लगाया। देन उसके बाद जब मुझे कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन जैसा कुछ नहीं फील हुआ एंड आई फेल्ट कि हाँ स्किन थोड़ी ब्राइट हो रही है, ग्लोइंग हो रही है एंड जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसके बाद मैं अब इसको डायरेक्टली भी अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ एंड दिस इज़ रियली वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट। अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, इवन एक्ने है, पिंपल्स है, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। बट यस, पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए एक बार, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे फेशियल ऑयल्स हर किसी को सूट करें या कोई भी प्रोडक्ट किसी को सूट करें, तो पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुगंधा अगेन इट्स अ इंडियन ब्रांड, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसके सारे प्रोडक्ट जो है काफी नेचुरल है एंड दे ऑल्सो क्लेम द सेम की पैराबेन सल्फेट एंड ये सब, बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि दीज आर फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट जो कि काफी यूजफुल है स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन। तो यस, ये दोनों तो मेरे करंट फेवरेट हैं, बट यस मैंने नायासिनमाइड सीरम खत्म होने के बाद दोबारा ये नहीं लिया, मैं लेने वाली थी बट आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो मैंने ये वाया नेचुरल्स का नायासिनमाइड सीरम लिया है। ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इस बार यू नो अफोर्डेबल वर्जन ट्राई किया, अगर ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली आई विल गो बैक टू माय सुगंधा नायासिनमाइड सीरम ओनली। सो यस, ये दोनों मुझे किसी ऑफर में मिले थे, वैसे तो इसका MRP है 699 फॉर नायासिनमाइड सीरम एंड रोजिप ऑयल का MRP है 699 अगेन, बट दोनों ये मुझे मिला के मिले थे फॉर ₹1069, तो एवरेज लिए मुझे दोनों 535 ईच के पड़े, विच इज आई थिंक अ ग्रेट डील, जो भी उन्होंने क्लेम किया है काफी हद तक बिल्कुल सही है। सो यस, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली आप सुगंधा के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। सुगंधा के प्रोडक्ट्स जो है सिर्फ उनकी ही वेबसाइट में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, सो इन अ वे इट इज़ गुड ऑल्सो कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिल रहा है एंड यस यू कैन ट्राई। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ नाइट क्रीम, जो कि अगेन मैंने यूज नहीं की है अभी तक, होपफुली मैं आज रात से इसको यूज करना चालू करूंगी बिकॉज कल ही मेरी नाइट क्रीम जो है खत्म हो चुकी है। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड द मॉम्स को, लव विदाउट कॉम्प्रोमाइज। सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग, इट्स नेचुरल एज कंट्रोल नाइट क्रीम विद द पावर ऑफ बाकुची ऑयल, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बट यस, रिड्यूसेस डलनेस, डार्क स्पॉट्स एंड फाइन लाइंस। सो इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है इन लोगों ने यहाँ स्क्रीन में पैकेजिंग में मेंशन किया हुआ है बाकुची ऑयल एंड यही इनका जो है USP है एंड इसी रीजन की वजह से मैं भी इस क्रीम को ट्राई करना चाहती थी। तो अदर देन दैट इट इज नेचुरल टॉक्सिन फ्री एंड इट इज ऑस्ट्रेलियन एलर्जी सर्टिफाइड, देन इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, पीटा क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। तो जहाँ तक इनके मेन इंग्रेडिएंट की बात है जो कि है बाकुची ऑयल, इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल रेटिनॉल जो कि काफ़ी नॉन इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए एंड काफ़ी सेफ भी होता है स्किन में यूज़ करने के लिए,
compared to animal derived retinol. वैसे तो ये product है for all skin types, but for the sensitive skin ये काफी अच्छा product है because इसमें सब चीज जो है ज्यादातर plant based ही है. So ये claim करते हैं enriched with the power of bakuchi oil, a natural alternative to retinol, niacinamide and hyaluronic acid. Our natural age control night cream helps reduce the appearance of fine lines, wrinkles, evens the skin tone and restores firmness. So yes, again, इसको use करने के बाद पता चलेगा कि ये claim किस हद तक सही है. It's a dermatologically tested product, harmful chemical free, paraben, SLS free, silicon free, mineral oil free. It's a 50 gram of product and इसका MRP है 798 rupees, but ये मुझे website से मिला है for rupees 638. ये मैंने Moms & Co की website से ही लिया है. And इसके साथ मुझे कुछ चीज़ें free भी मिली हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. Okay, so the first free product is a natural baby wash and the second product is natural baby lotion. ये दो चीज़ें जो है मुझे इसके साथ free मिली हैं. तो Moms & Co जो है हमेशा कुछ ना कुछ free product देता रहता है, so that you know आप उनके other products भी try कर पाओ. So which is a good thing. इससे पहले भी मैंने अपने लिए serum लिया था, उसके साथ मुझे आई थिंक कुछ बेबी का ही प्रोडक्ट मिला था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने उसे रीपर्चेस भी किया था. सो या आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी टू यूज़. सो इसकी मैं पैकेजिंग आपको अंदर से दिखा देती हूँ किस तरीके की है. सो अंदर से ही इस तरीके का दिख रहा है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी लग्जूरियस एंड प्रीमियम क्रीम लग रही है. इसका एड तो आप लोगों ने देखा होगा, करंटली कल की जो है जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट किया है. तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस. अगर इसको ओपन करके भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे है. ये अंदर से इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी. सो आई थिंक मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए हैं. सो मूविंग ऑन टू माई हेयर केयर प्रोडक्ट्स. तो हेयर केयर में मैंने सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स लिए हैं. पहला प्रोडक्ट है ये मामा अर्थ का ब्रिंग आमला हेयर ऑयल. यही एक प्रोडक्ट है जो मैंने यूज़ करना चालू कर दिया है बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस एंड मेरे पास एक्चुअल में बिल्कुल भी तेल नहीं था. जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने उसी के लिए बाय किए हैं बिकॉज मेरे पास नाइट क्रीम नहीं थी, मेरे पास कोई सीरम नहीं था, मेरे पास कोई सनस्क्रीन नहीं था. इसके लिए मैंने सारी चीज़ें परचेज की हैं. एंड येस, दिस इज़ अ हेयर ऑयल विद ब्रिंगराज एंड आंवला फॉर इंटेंस हेयर ट्रीटमेंट, 100% नेचुरल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स. तो इसका क्वांटिटी है 250 ml एंड इसका MRP है 499 रुपीज़ एंड मामा अर्थ की वेबसाइट से ये मुझे मिला है 340 रुपीज़ का. सो 250 ml 340 रुपीज़ का आई थिंक ओके प्राइस है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है. तो यस, ये काफ़ी ठीक ठाक ऑयल है. मतलब मुझे ऑनेस्टली हेयर ऑयल में इतना डिफरेंस नहीं पता चलता है, बट यस कोकोनट ऑयल के कंपेयर जो मैं पहले यूज़ करती थी जो अपना देसी पैराशूट है उससे कंपेयर अगर करें तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस. एंड जब से मैं कोकोनट ऑयल से शिफ्ट हुई हूँ टू अदर ऑयल्स तो मेरे बालों का जो टेक्स्चर है काफ़ी अच्छा हुआ है. अभी तक मैं यही सोचती थी कि कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट, वही आपके बालों को सबसे अच्छा नरिशमेंट दे सकता है, बट ऐसा नहीं है. लाइक एनी स्किन केयर प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ आप लोगों को सूट करे. जैसे कि कोकोनट ऑयल जो है मेरी स्किन को काफ़ी इची एंड ऑयली एंड ऐसा बना देता था, बट जब से मैंने उसको शिफ्ट किया है टू आमंड ऑयल और एनी अदर ऑयल एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल, तो मेरे बालों का टेक्सचर एंड जो उसकी जो ग्रोथ है हेयर फॉल है काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है. क्लेम करता है प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट्स ग्रेइंग ऑफ हेयर, स्ट्रेंथन्स हेयर फॉलिकल. इसमें काफ़ी यू नो आयुर्वेदिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि ब्रिंगराज, आंवला, ब्राह्मी, मेथी, शिकाकाई, नीम है इसमें और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं क्या क्या है, जो पता है वही आपको पढ़ के बता रही हूँ. देन इसमें काउ मिल्क है, हिना है एंड पाइन ऑयल है, क्लोव है यानी कि लौंग है, बट इसका जो बेस है वो सेसमे एंड कोकोनट ऑयल का ही है. मैंने इस बार ये ट्राई किया, डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट है बट बहुत भी वाव नहीं है, ओके प्रोडक्ट है. बट ये ख़त्म होने के बाद क्या मैं इस प्रोडक्ट को वापस लूँगी, नो. आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट दैट आई विल लेट यू नो लेटर. सो यस, ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, डिसेंट है और ये क्लेम करते हैं दे आर नेचुरल. सो यस, यू कैन गो विद दिस. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे हेयर के लिए, वो अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने. This product is, this is Biolage Smooth Proof Avocado Deep Smoothing Serum. ये एक हेयर सीरम है और इसके इतने अच्छे रिव्यूज मैंने देखे हैं Amazon में ही नहीं, हद तक कि जिन यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने भी काफ़ी इसकी तारीफ की है. एंड ऐसे ब्रांड्स जो होते हैं ना वो काफ़ी मतलब यू नो
इतनी चर्चा में नहीं आ पाते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। एंड ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में लोग इतना ज़्यादा नहीं बातें करते हैं कंपेयर टू द ब्रांड्स विच आर यू नो इन ट्रेंड्स, लाइक डॉट एन की हो गया या मिनिमलिस्ट हो गया या सुगंधा वगैरह, मामा अर्थ हो गया, वाव हो गया। ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि इतने पॉपुलर नहीं होते हैं बट वो एक्चुअल में अच्छा रिजल्ट देते हैं। एनीवे, सो आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस सीरम बिकॉज अगेन मेरे पास कोई सीरम नहीं था एंड सेकेंडली इसके काफी अच्छे रिव्यूज थे। सो ये है 6-in-1 डीप स्मूदनिंग सीरम। इट कंट्रोल्स फ्रिज, स्मूदन्स रफ एंड्स, प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम ह्यूमिडिटी, एड्स इंस्टेंट शाइन, नरिशेस ड्राई हेयर एंड इंस्टेंटली डिटैंगल्स। Infused with avocado and grapeseed oil, this is a non-sticky formula. Gently envelops hair to control frizz and seal in the smoothness without weighing it down. So yes, very well written and I hope ये अपने claims में बिल्कुल खरा उतरे and I'm really excited to use this product. और जैसा कि मेरे dry and frizzy बाल हैं और मुझे एक serum की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी, so मैंने ये buy किया। इसका quantity है 100 ml और इसका MRP है 300 rupees. बट ये अमेजोन से मुझे मिला है 4 rupees 295, यानी कि 5 रुपये का डिस्काउंट मिला है मुझे, बट क्वान्टिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस है। सो येस, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल एंड दिस इज अ मस्ट ट्राई। सो येस, विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग ये हॉल पसंद आया होगा एंड इफ येस देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव इट ऑलरेडी। प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपने ट्राई किया है या नहीं ट्राई किया है या करना चाहते हैं और ये प्रोडक्ट कैसे हैं। आई विल बी हैप्पी टू नो ऑल दीज थिंग्स एंड येस यू कैन ऑल्सो फॉलो me on Instagram and Facebook, handles are below. और अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इन सब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मैं इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू दूं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ रिव्यू वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सुपर सून, टिल बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।